आज डिस्कस करेंगे पावर प्लांट में यूज़ होने वाले ई ऑपरेटर के बारे में। क्या होता है ई ऑपरेटर, इसमें होता क्या है। जब फीड वाटर इकोनोमाइजर से बॉयलर ड्रम में इंटर करता है तो फीड वाटर का टेम्परेचर कम होता है, सेचुरेटेड टेम्परेचर से लगभग 25 डिग्री। तो इसमें स्टीम फॉर्मेशन के लिए थोड़ा और हीट को ऐड करना पड़ता है, और यह हीट जो ऐड होता है वो ई ऑपरेटर से होता है और फिर ये स्टीम बनाता है। ये ई ऑपरेटर की जो कॉइल है वो शेप में एम टाइप कॉइल होती है। इसका जो लोकेशन होता है बॉयलर में, ये कन्वेंशन जोन में होता है। इसका जो मटेरियल कंस्ट्रक्शन होता है MOC, वो कार्बन स्टील से बनाया जाता है, और इसका जो ग्रेड होता है SA210GRA1। इस ई ऑपरेटर ट्यूब में फीड वाटर सर्कुलेट होता है। नेचुरली यहाँ जो हॉट वाटर है और कोल्ड वाटर है दोनों की डेंसिटी अलग अलग होती है। इसमें वाटर जो है वो ड्रम से नीचे आता है इनलेट हेडर में, ये डाउन कमर पाइप के थ्रू, और अब ये जो वाटर है वो ई ऑपरेटर में इन करता है, और वाटर ई ऑपरेटर से होते हुए राइजर ट्यूब के थ्रू वो स्ट्रीम ड्रम में, यहाँ से हीट को ई ऑपरेटर से हीट को गेन करने के बाद वो वाटर स्ट्रीम ड्रम में चला जाता है। तो इस तरह से स्ट्रीम ड्रम में जो स्टीम बनता है उसको यहाँ स्ट्रीम ड्रम में कलेक्ट कर लिया जाता है।